हर वीडियो अगली वीडियो से और बेटर करके आप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो सर इतना इजी कर देते हैं सर। आप यूट्यूब में और भी बहुत वीडियोस हैं, बट आप लोग इतना इजी कर देते हैं कि बस स्टूडेंट को आप मेहनत करनी है। मैं नहीं बोलती थी इंटरव्यूज में, आप मुझे मोटिवेट करते थे। आप तो ऐसी वीडियोस डालते हैं यूट्यूब में गाइडेंस की कि वो सभी के लिए हेल्पफुल रहती है, तो ये वीडियो सर उस टाइम बहुत हेल्पफुल रहती है जिसके पास कोई सोर्स नहीं है। बहुत प्राउड मोमेंट है सर उनके लिए, तो डिप्टी कलेक्टर के पेरेंट्स कहलाना वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट सर ये था। अपने पहले अटेम्प्ट में डेप्यूटी कलेक्टर बन जाना ये हर किसी का ख्वाब होता है, और डेप्यूटी कलेक्टर बनने के साथ में 6 रैंक ले आना, 853 मार्क्स मेंस में लाना, 150 मार्क्स इंटरव्यू में पाना, ये लगभग एक सपने की तरह होता है हर एक अभ्यर्थी के लिए। और मुझे लगता है हरनीत हरनीत आज आप वो सपना जी रही, राइट? जी कैसा सर, लग रहा है जी सबसे सर। पहले आप ही बताइए। सर इट्स लाइक लिविंग अ ड्रीम। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारी रातें ऐसी थी जो सोए नहीं, बहुत हार्ड वर्क, रिजल्ट का जो इतना लॉन्ग वेट था सर, मतलब अब जब रिजल्ट इतना अच्छा आया है सर, तो लिटरली सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये 4 साल का जो पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ा है, 5 साल का लगभग पेशेंस है, इसने आपकी असली एग्जाम दी है अगर तो। जी सर, पेशेंस इज रियल एग्जाम। जी सर लेकिन सही है, बिल्कुल। अंत भला तो सब भला। आज हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल जिसके लिए कई सर। अटेम्प्ट लगते हैं वो आपने पहले अटेम्प्ट में ऐसा किया है। हनी, जितना मैं जानता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद अपनी तैयारी शुरू करना शुरू कर दी थी, और वो एक आपकी हाँ एक जी प्रोसेस सर, रही है। थोड़ा सा आप हमारी जो देखने वाले हैं, खासकर न्यू एस्पिरेंट है बिल्कुल, उनको आप बताएं कि किस तरीके से आपने स्टार्ट की जर्नी, क्योंकि मुझे पता है आप जबलपुर में हैं। आई थिंक आपका मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ये सेल्फ स्टडी वाला पार्ट रहा है आपका पूरा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सेल्फ स्टडी तो कैसे आपकी प्रोसेस है थोड़ा सा आप बताइए। सर। सबसे पहले तो अगर आप ये एग्जाम सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर कर सकता है मे बी, बट जो फर्स्ट फैक्टर है वो ये है, आपके अंदर से वो चीज होनी चाहिए। आपका जो कॉन्शियसनेस है आपके अंदर होना चाहिए कि आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। फेम, नेम, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं सर, बट अंदर से आपको होना चाहिए कि हाँ डिप्राइव्ड के लिए आपको काम करना है, अपलिफ्टमेंट करना है समाज का। तो सर यही है कि अगर आप 100% श्योर हैं कि हाँ आपको करना ही है तो आप कीजिए, वरना अगर आप नेम फेम के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी, और ऑब्वियसली जर्नी में आपका अप्स एंड डाउन्स आप फेस करेंगे। अगर ये प्रिपरेशन करनी है, और मैंने जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर, आपको लॉयल रहना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को लेके। आपको आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी इम्पैक्ट होती है, आप न बहुत से इवेंट्स मिस करते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी, बट बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज। ऐसा नहीं कि एक दिन ही आप बहुत सारा पढ़ ले रहे हैं और नेक्स्ट डे आप बोल रहे हैं कल तो बहुत सारा पढ़ लिया था, तो ऐसा नहीं सर, ये आप अपने आप से चीट नहीं कर सकते। और सर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, ये सारी चीजें सर कल्मिनेट जब होती हैं, इकट्ठी कंबाइन होती हैं, तो आपके सामने सर रिजल्ट आता है, फिर बेहतरीन रिजल्ट आता है सर। फिर बस आपका अंदर से आपका होना चाहिए कि हाँ आपको इस प्रिपरेशन को करना है। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, योर कॉन्शियसनेस। मैं आप ही के कहे शब्दों को अपने साथियों को फिर से अलग भाषा में समझा देता हूँ कि ये एग्जाम ऐसा है जो आपका हर तरीके से एग्जाम लेता है। अगर मैं कहूँ ये परीक्षा, ये तैयारी ऐसी है कि आपकी हर सर तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल आपको परखेगी, जांचेगी, और अगर वो शुरुआत आपने अपने अंदर से नहीं की है तो इस एग्जाम जी में सर, उस जगह तक पहुंच पाना जहां आप चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। यस सर बिल्कुल सर। आपको अंदर से, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर वे से आपको प्रिपेयर्ड होना है, आपको स्टेबल होना है। रिजल्ट नहीं आते हैं, एग्जाम नहीं निकलते हैं, अटेम्प्ट्स जाते हैं, आपको अनस्टेबल, विचलित नहीं होना है इस चीज में। आपको पता है आज नहीं तो कल, अगर आप चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपका गोल ऑफ लाइफ है वो, तो यू विल अचीव इट। टाइम जरूर लगता है, बट सबर का फल मीठा ही होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल यही है स्टार्टिंग कैसी की थी हरनी ने हरनी था आपने? सर। मैंने मैथ साइंस लिया था 12th में, उसके बाद मुझे 12th से ही पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है, बट एक कंप्यूटर साइंस में मेरी रुचि थी, तो और एमपी बोर्ड में अपन को कंप्यूटर रिलेटेड कोई एकेडमिक नहीं है, तो वो कोडिंग एंड ऑल के लिए मैंने इंजीनियरिंग परस्यू की थी।
इंजीनियरिंग के दौरान भी बहुत अच्छा रहा जो भी सफर था, मगर ये मैं कभी नहीं भूली कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करनी है। कैंपस आते थे कॉलेज में, मैं कैंपस में नहीं बैठती थी, बट कॉलेज टाइम पे भी मैं टॉपर थी, तो वहां पे भी टीचर्स का प्रेशर था कि कैंपस में बैठो, रिप्रेजेंट करो कॉलेज को। तो एक कैंपस में मैं बैठी थी, उसमें 300 बच्चों में से 10 बच्चों का हुआ था उस वक्त। उस टाइम मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, लग रहा था मैंने किसी कैंडिडेट की प्लेस ले ली है, मुझे तो ये करनी ही नहीं है जॉब। उसके बाद से सर मैं किसी भी कैंपस में नहीं बैठी, और जैसे ही मेरे कॉलेज खत्म हुए इसके बाद से मैं प्रिपरेशन पे सर लग गई थी। और जैसा इंदौर जैसे बड़े शहर में ज्यादा फैसिलिटीज हैं, इंदौर जबलपुर में भी है, बट कोई भी फैसिलिटी कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर से वो ना हो। आजकल तो इंटरनेट का एरा है, आपकी यूट्यूब चैनल्स हैं सर। मुझे याद है जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो वन ऑफ द फ्यू जो यूट्यूब चैनल्स थे वो आपका चैनल था सर, रक्षा अकेडमी आनंद सर। तो मैं देखती थी, मैं रेगुलर देखती थी। मीडियम का थोड़ा सा वो होता था, मैं इंग्लिश मीडियम, और वो जो क्वेश्चंस आप बताते थे जो भी पीडीएफ चलती थी वो हिंदी मीडियम ही यूजुअली हुआ करती थी, बट आप समझाते इतना अच्छा था कि मीडियम जैसा बैरियर रोक नहीं पाया सर वो चीजें। तो मैं देखती थी उस टाइम, काफी टाइम से मैं रेगुलर देखती थी प्री के दौरान आपके वो चैनल में देखना प्रॉपर। अभी इंटरव्यू में भी जब मैं आई इंदौर और मुझे आपसे मिलने का इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कितने लंबे समय से इनकी वीडियोस देख रही हूँ। फिर आपने मुझे इंटरव्यू के टाइम सपोर्ट किया, गाइड किया, तो इट मीन्स अ लॉट सर मेरे लिए। तो सर आप एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो सर आप स्टार ही थे, स्टार ही हो सर। तो थैंक यू सो मच। आज मैं आप बहुत स्टार बड़ी चीज बने। थी सर, आपने हाँ जी, जैसे जो इंदौर और हाँ जबलपुर का डिस्टेंस था आपने जूम मीटिंग्स उस टाइम कंडक्ट करवाई थी, शायद 2 महीने चली है वो मीटिंग्स, रेगुलर लगती थी। अपने घर में बहुत अच्छी एक गुड न्यूज आई थी उसके दौरान थोड़ा सा वो हुआ था, तो मगर आपने फिर भी उस अपनी खुशी के मौके में भी आपने वक्त निकाल के हम लोगों को गाइड किया था, ये बहुत बड़ी बात थी सर, बहुत बड़ी बात थी। मैं रोज, अब वो डिस्कशन 1-1.5 घंटे का होता था, मैं डेली देखती थी, तो वो बहुत फ्रूटफुल रहा, मतलब बहुत ज्यादा उस चीज का मुझे फाइनल इंटरव्यूज में भी मुझे वो चीज काफी हेल्पफुल रही थी। मैं नहीं बोलती थी इंटरव्यूज में, आप मुझे मोटिवेट करते थे कि हरनीत आप बोलिए। मुझे याद है मैं बोलती थी, नहीं बोलती थी तो आप मुझे मोटिवेट, तो वहां से एक जो हेजिटेशन आप बैक स्टेप ले लेते हो, तो आपने वो मुझे आगे मोटिवेट किया, तो काफी फ्रूटफुल था सर वो। आई एम सो थैंकफुल आपके उस एक अरे छोटे से जो भी आपका प्रयास था। आपके तो 100 स्टूडेंट्स हैं सर, हजारों स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आप किसी पे एक पे भी ध्यान देते हैं सर, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये यात्रा ऐसी रही है, और जैसे और लोगों को नहीं पता इस बारे में एक्चुअली, तो मैं क्योंकि वीडियो सबके सामने जाएगा, ये बात कर रही है। हम लोग इंटरव्यू का एक सेशन रखते थे और उसमें जो इंटरव्यू देने वाले लोग होते थे, मेरा मानना ये था कि 1-to-1 इंटरव्यू से ज्यादा अगर हम लोग डिस्कशंस पे थोड़ा ध्यान दें तो मल्टीपल व्यूज सर हमारे पास में आ जाते हैं। और मुझे अच्छे से याद है जब हरनीत ने पहली बार बोला था, तब मैंने कहा था कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत सुलझे तरीके से बोलते हो। और मैं और स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति सेलेक्ट होता है तो उसमें कुछ होता है। जब मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट शेयर की, मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं जानता हरनीत, जितना हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से सर एक डेढ़ मैं महीने में देखती थी। हाँ जी सर, जितना हम लोग मिले हैं उतने के हिसाब से ही जानते एक दूसरे को, बट मैंने एक लाइन इसमें लिखी थी कि आपका व्यक्तित्व का प्रभाव था। क्योंकि जब आप पहली बार बोले थे तो आपको याद होगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अप्रिशिएट किया था कि आप बोलना और ये आपका बहुत अच्छा जाएगा। वो आई क्वेश्चन भी जब रिमेम्बर आपका सर। था, वो शायद मुझे याद है आपका क्वेश्चन जो था खालिस्तान के ऊपर क्वेश्चन था, हाँ जी सर, हाँ जी, राइट? हाँ जी, और उस समय वो टॉपिक बहुत ज्यादा उठा हुआ था, और जिस वे में आपने उसको एक्सप्लेन किया था वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं आप चीजों को समझ पाते हैं। तो ये बातें हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे लोगों को बता दूं यहाँ पर, कि एक जब एस्पिरेंट एस्पिरेंट से डेप्यूटी कलेक्टर बनता है ना, तो वो कुछ किताबों से नहीं बनता, जी सर, वो 360 डिग्री अनुभव होते हैं। वो दुनिया को देखने का एक अपना नजरिया होता है, और जिसमें वो नजरिया होता है वो दिख जाता है, वो हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा कि आपका व्यक्तित्व था इसलिए आप यहाँ पे बचे। तभी इंटरव्यू में कई लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, कई को बहुत खराब मिले हैं। आई थिंक आपके नंबर वन ऑफ द बेस्ट नंबर होंगे मेरे हिसाब से, 150 मार्क्स आपको इंटरव्यू मिले हैं, सबसे हाँ बेहतरीन जी मिले हैं। सर, हाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी थी। मैं इंटरव्यू की बात जरूर हमने की, आप अच्छा बोल पाए, कर पाए, और कहीं ना कहीं वो यस कॉन्फिडेंस सर, जो आपके में था उसने नंबर मिले। ये जो जर्नी जी प्री मेन, तो सर, ये सारी जर्नी रही, इसको कैसे आपने फॉलो किया? क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा खासकर मुझसे, मेरे पास हमेशा मैसेज आते हैं, आज भी मैसेज आया था मेरे पास में कि सर कोई इंग्लिश मीडियम की अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट लोग आए तो उनसे बात कराना। जी तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं आ सर, पाएंगे मेरे पास में, लेकिन हरनीत करेंगी बात। आप थोड़ा इन हाँ बच्चों जी को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है।
मैं भी जितना हो सकता हूँ उतनी मदद कर पाता हूँ, उसके ऊपर मैं भी जा पाता हूँ। और मैं आपके माध्यम से एक प्रॉमिस और एक कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करूंगा। और अभी तक मैंने हिंदी से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हम हिंदी मीडियम में दे पा रहे हैं, जिस तरीके से हम हिंदी मीडियम में काम कर सर, पा रहे हैं, इंग्लिश में वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा तो देने से कोई मतलब नहीं है। हाँ बट जी अभी सर, मैं नहीं करूंगा। सर, अब इसको थोड़ा सा सरल बना दीजिए हमारे साथियों के लिए जो खासकर इंग्लिश सबसे मीडियम वाले। पहला तो मैं मीडियम के लिए बोलूंगी सर कि अगर किसी के अंदर वो चाह है, अगर वो डेडिकेशन है, तो मीडियम सर बैरियर कभी नहीं होता है सर। आपके पास तो इंटरनेट है, आपको सिर्फ बोलना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ऐसी ऐसी फैसिलिटीज आपको इंटरनेट के एरा में है, तो ये बैरियर को एक सामने रख के आप नहीं वो कर सकते कि मैं सिर्फ इंग्लिश हिंदी मीडियम के कारण। मैंने देखी सर आपकी कोचिंग क्लासेस, तो वो रहता है थोड़ा सा बैरियर, बट इंटरनेट ने तो चीजें बहुत ईजी कर दी है। बाकी सर, अगर 3 स्टेप्स में है ये एग्जाम, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो प्री जो आपका क्वालिफाइंग राउंड है वो वन ऑफ द टफेस्ट है। आपको ओवरऑल आएगा, वर्ल्ड का आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट्स रहते हैं वो। आप एक दिन में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में आप प्री की तैयारी नहीं कर सकते। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है सर कि आप प्री भी पढ़ रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली मेंस की प्रिपरेशन हो ही जाएगी। आपको बस प्री के लिए करंट अफेयर्स में थोड़ा ज्यादा अपना देना रहता है प्रिपरेशंस में, कि हाँ आपको करंट अफेयर्स के लिए अवेयर रहना है। बाकी प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच है सर। प्री निकाल लेगा अगर कोई व्यक्ति, तो मेंस में आपको फिर एक एक करके सब्जेक्ट्स को वाइंड अप करना चाहिए। ये नहीं कि सारी चीजें एक साथ आप लेके बैठे हैं और एक ही सब्जेक्ट पे अटक गए हैं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं। तो धीरे धीरे चीजें, कंसिस्टेंसी सर सब कुछ है इस चीज में। आप रोज अगर एक टर्टल स्टेप्स या मिनी स्टेप्स भी लेंगे अगर, तो भी आपकी कवर अप हो जाएगा सिलेबस। बट ये है कि आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में जितने टेस्ट आप दे सकते हैं, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। 3 आर में 2 पेपर लिखना बहुत बड़ी बात है। मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग में भी बहुत लेंदी पेपर होता है, बट इंजीनियरिंग से 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट ये है। इसमें आपको 2 पेपर्स लिखने हैं 3 आर्स में। तो टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको टेस्ट देने ही पड़ते हैं। मैंने भी रक्षा अकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और यही है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू, तो आपका व्यक्तित्व का टेस्ट है। नॉलेज तो आप टेस्ट कर हो ही चुका है प्री और मेंस में। जितना लोगों से आप बात करेंगे, जितने डिस्कशंस का आप हिस्सा बनेंगे, जितने लोगों के व्यूज आदान प्रदान करेंगे, उतना ही आपका एक जो आपका सोचने का नजरिया है वो ब्रॉडर होएगा। आप नैरो रह के एक जगह पे बैठ के प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आपको लोगों के विचारों का, क्या चल रहा है समाज में, क्या अगला इंसान क्या सोच रहा है, ये सब के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है, बहुत। एक चीज और, हंड्रेड जब मैं आपके नंबर्स को देखता हूँ, 853 केवल मैं मेंस की बात करूँ, तो ये नंबर लास्ट के 3 पेपर्स में अच्छे नंबर के बिना अचीव नहीं हो सकते। आई एम श्योर, डेफिनेटली क्योंकि अगर आपको याद होगा मेरे स्ट्रेटेजी में जब बताता हूँ तो मैं लास्ट के 3 पेपर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। और एक इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट होने के बाद में लास्ट के 3 पेपर्स में आई एम श्योर आप 300+ हैं। हो सकता है यहाँ पे आप थर्ड पेपर 180-200 के आसपास हो, वरना आप मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप 300+ तो आपके थर्ड पेपर में, लास्ट के 3 पेपर्स में है। वो जो एक अप्रोच आपने बनाई थी वो कैसे बनाई आपने पूरी की आप, क्योंकि 853 उसी के आ सकते हैं जो ओवरऑल सिलेबस को कवर करे। अगर आप जी किसी सर, चीज को छोड़ोगे आप ये अचीव नहीं कर सकते। 850 या 800+ नंबर लाना जब तक कि आपकी बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच नहीं है हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में, हर एक पेपर के बारे में, और इक्वली आप हर नंबर को वैल्यू नहीं देते, ये कोई अचीव नहीं कर सकता, मेरा मानना ये है। बट जनरली ये जी देखा गया सर, है कि लास्ट के 3 पेपर की वैल्यू नहीं होती। एथिक्स की तो बिल्कुल ही एकदम वैल्यू नहीं है, हिंदी ये लगता है कि हम पढ़ के आए तो हो जाएगा। लेकिन मुझे अचंभित करने वाली बात मुझे ये लग रही है कि इंग्लिश मीडियम की आप हैं और सबसे ज्यादा परेशानी होती है हिंदी और निबंध में, वो कैसे कवर किया जी आपने? सर सही, आपने एकदम सही कहा। ये मतलब मैं किसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मगर जो एमपीपीएससी या यूपीएससी से जुड़े हुए हैं और मीडियम्स का ये है, तो हाँ डेफिनेटली हिंदी के 2 पेपर हैं, उनमें बहुत डिफिकल्टी जाती है, बहुत। मेरे लिए तो आई गेस हिंदी के पेपर ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से डिफिकल्ट वो ही थे सर, क्योंकि मैं जैसे खालसा स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो भी पंजाबी था। आई एम अ सिख, तो अलंकार, समाज, ये आई गेस मैंने स्कूल में भी नहीं पढ़े होंगे। तो मैं डेली, मैं हिंदी के लिए एक डेडिकेटेड टाइम रखती थी कि मुझे हिंदी, तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ मुझे हिंदी पढ़ना ही है।
पहले इथिक्स का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट है, बट इथिक्स अगर आप किसी चीज को इथिकली सोच पा रहे हैं तो आप जो फिलोसफर्स हैं उनकी फिलोसफी ग्रास्प कर पाएंगे, वो आप रट नहीं सकते, क्योंकि फिलोसफी तो सबकी सेम होती है बट वर्डिंग्स अलग अलग होती है। जो फाइनल उन लोग कह रहे हैं फिलोसफर्स, उनका फाइनल एक ही मोटिव रहता है, बट उनके समझाने के तरीके अलग अलग हैं, तो उसी में आपको पूरा अपने आप को पूरा ढालना पड़ता है। एथिक्स पढ़ते टाइम एम्पथी पढ़ते हो आप, एक सिविल सर्वेंट में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये आपके अंदर अगर होती है ये चीजें तो आप वो बहुत इजीली पढ़ सकते हो। बाकी हिंदी का जो मैं अप्रोच बोल रही हूँ वो यही रहता है कि हिंदी आपको डेली ही पढ़ना चाहिए। मे बी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी रहता होगा, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेपर सर बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे में भी आपको कंटिन्यूअसली रीडिंग्स, जो कोट्स ऐसे में आप डालते हैं वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई या कहीं से देखी हुई कोई कोट आपको अच्छी लग रही है, आप अपने नोट्स में प्रॉपर नोट डाउन कीजिए कि हाँ ये चीज मेरे यूज हो सकती है। तो ये पेपर्स में आप जितना उसको एनहेंसिंग एलिमेंट्स डालेंगे वो उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा सर हिंदी पेपर में। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज। बिल्कुल, मेरे साथी हैं सुनने वाले, उनको मैं समझाता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम अपना चला रहा हूँ, उसके अंतर्गत मैं हाँ जी यही ध्यान सर, दे रहा हूँ कि लाइक अपना 28 अप्रैल वाला प्री का नोटिफिकेशन भी अपना आने वाला है, हो सकता है जब तक वीडियो रिलीज हाँ हो जी तब सर, तक आ हाँ भी जी जाए सर, नोटिफिकेशन है। तो मैंने क्या अप्रोच रखी है कि मुझे लगा कि थर्ड पेपर थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट इस बार हुआ है, 2020 के बाद से थोड़ा डिफिकल्टी जी लेवल उसका सर, बढ़ा अभी है, क्योंकि पहले सिलेबस। इकोनॉमी होती थी, अब प्योर आप अगर देखेंगे तो साइंस एंड साइंस टेक में आ गया है, ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेपर, इस पेपर को आप कमजोर रखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, और आगे जाके भी आप देखोगे मेंस बहुत कम टाइम होने वाला है। तो मैंने ये कोशिश की है बैच में कि मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये चार पेपर को अभी से प्रिपेयर करवा के रखना चाहता हूँ। मैं बच्चों से भी चाहता हूँ, अगर आप ये चार पेपर भी अभी कवर कर लें 20 अप्रैल के पहले, और प्री को आप अपने साथ में लेके चलें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मेंस में फाइट कर पाना, खासकर ऐसे लोगों से जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बस वही है कि और एक वो होता है, जैसे आप इंग्लिश मीडियम के थे तो आपने हर चैलेंज को पहचाना कि हाँ चैलेंज जी कहाँ पे। सर, हनीत पता है हाँ क्या होता जी, है, कुछ चीजें वो कहते हैं ना कि रब की मर्जी होती है, कुछ चीजों में मुझे लगता है हर चीजों हाँ में जी रब की सर, मर्जी होती है, कई हाँ बार जी, आंखों के सामने होता सब कुछ है लेकिन बट आप ब्लाइंड हो जाते हैं देखते आप देख नहीं पाते हैं, नहीं है। दिखती हाँ नहीं है। जी तो जो आप मुझे बता रहे हो ना कि आपने थर्ड पेपर को, फोर्थ पेपर को, सिक्स पेपर को बहुत अच्छे से करा, फिफ्थ पेपर को बहुत अच्छे से करा, वो शायद मुझे लगता है जबलपुर में कोई खास आपको बताने वाला नहीं होगा। नहीं सर, कोई गाइडेंस नहीं है सर, और मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आई गेस मैं फर्स्ट ही अपनी फैमिली का चाइल्ड हूँ जिन्होंने, मतलब पूरी हम वी आर अ जॉइंट फैमिली, तो कोई भी मैंने नहीं देखा कि कोई भी सिविल सर्विसेज में है, तो कोई गाइडेंस नहीं थी। आपको खुद ही चीजें, आपको खुद अपने आप जैसे टीचर से पूछ पूछ के, आप तो ऐसी वीडियोस डालते हैं यूट्यूब में गाइडेंस की कि वो सभी के लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये वीडियो सर उस टाइम बहुत हेल्पफुल रहती है जिसके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप कहाँ से चीजें पता करें। आप पूरा डिटेल बताते हैं कि इतने आवर्स का होगा, इतने पेपर्स होंगे, 3 मार्कर्स इतने होंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहती है सर। मैंने देखा है स्टूडेंट्स फोर्थ पेपर, फिफ्थ और सिक्स्थ तो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं छोटा सा पेपर है, कम मार्क्स का है, आखिरी आखिरी में कर लेंगे, बट अब जब पैनिक करते हैं लास्ट लास्ट में, तो आप इथिक्स जैसा पेपर तो नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि मैं सब बल्क कर लेता हूँ, पाइल अप कर लेता हूँ और लास्ट में जाके मैं वो जल्दी जल्दी कर लूंगा, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इथिक्स अगर आप लॉन्ग टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तब जाके वो आपके अंदर चीजें समाएंगी, तब जाके वो बैठेंगी, क्योंकि वो फिलॉसफी है, आप रट नहीं सकते वो चीजें। इंटीग्रल योगा आप ये रट नहीं सकते, किसी का बिल्कुल इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म आप रट नहीं सकते, तो ये पहले से ही अगर आप करेंगे तो ही हो पाएगा। आखिरी में तो सर वो सब फिर मिक्सडअप हो जाता है, आप किसी की फिलॉसफी किसी में लिखोगे ये ही होगा फिर आखिरी में, तो ये मैं पहले से ही आपने प्रिपरेशन बिल्कुल आपकी हो। आपने देखा होगा स्टडीज जो आप बात कर रहे थे, वो अक्सर मेरे वीडियो जो होते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर होते हैं और एक्चुअल हाँ जी ओपन सर, करके इस बात को बताने के लिए होते हैं कि भाई आपका एग्जाम है कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस, अभी मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था, जैसे अभी आप तो अब चुके सिलेक्टेड हो गए, शायद आपने देखा हो, लेकिन मैंने अभी पेपर फर्स्ट से लेके पेपर फोर्थ तक पूरा सिलेबस का डिस्कशन किया है, आई ठीक है। गेस सर आप हर बैच के लिए करते हैं वो हाँ, डिकोड, हर बैच के लिए आप करता हर बार हूँ, न्यू वीडियो डालते हैं अपना, हर वो हर वीडियो अगली वीडियो से और बेटर करके आप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो सर इतना इजी कर देते हैं सर। आप यूट्यूब में और भी बहुत वीडियोस हैं, बट आप लोग इतना इजी कर देते हैं कि बस स्टूडेंट को आप मेहनत करनी है,
डिकोड तो सामने वाला करके ही दे रहा है आपको सारी चीजें, हर बार आपको चीजें समझाई जा रही है। सिलेबस का एक एक, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 5 यूनिट्स हैं, एक यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, आप लोग तो इतना इजी कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आज से 5 साल पहले ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। आप लोगों ने बहुत ईजी कर दिया है। प्रयास करना चाहिए स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को समझना चाहिए कि चीजें सब आपके सामने सर्व करके रखे हैं, यू जस्ट हैव टू पिक इट अप। देखो वही है, यही है सर। नहीं मेन क्या होता है, आज आपने ये बात बोल दी, अब ये वीडियो जब सबके सामने जाएगा तो मे भी वो इस बात को समझे। और मेरा जो ये डिस्कशन करने के पहले रीजन होता है एक, क्योंकि अभी कल मुझसे मिलने के लिए एक बहुत अच्छे स्टूडेंट आए, मैंने उनके मंजुषा खत्री करके जो है 23rd रैंक है, वो भी डेप्यूटी कलेक्टर है, हाँ आपके बैच में ही आएंगी वो, आपसे मिलेंगी। जी सर, तो उन्होंने भी चर्चा की कि पिछले 5 सालों से जो जो स्टेप्स रहे हैं उस स्टॉप को उन्होंने देखा। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि पिछले 5 सालों में जो मैं मेहनत कर रहा था उसका रिजल्ट ये आया कि आप लोग की जिंदगी में थोड़ा सा चेंजेस ला पाया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक रास्ता दे पाया। बट अब आप लोग जब ये बात बोल रहे हैं, अब शायद हाँ जाके जी हमारे किसी नए आने वाले बच्चे को इस बात का महत्व समझ में आए कि सिलेबस का महत्व कितना होता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का महत्व क्या होता है। क्योंकि जब बच्चा शुरू में सर, आता है उसको पता नहीं होता है उसे क्या हाँ जी करना है, सर, और आप लोग जब बोलोगे इस चीज को कि नहीं भाई आप प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करें या फिर आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस को फॉलो करें, तो सिलेक्शन मुश्किल नहीं होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। और साथ में जैसे आपने किया कि जहां कमियां हैं वहां एडिशनल मेहनत, आपने निबंध को हिस्ट्री से कठिन बना दिया, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए था, तो हाँ आपने जी समझा कि सर, आपके लिए क्या कठिन है और आपके। तो मैं यही मतलब अपने साथियों से बोलना चाहूंगा जो भी हनीत की बात सुन रहे हैं, कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस हाँ दोनों को जी, इक्वली संभाल लो तो मुझे लगता है सिलेक्शन होता है। हनी आपका कैमरी में कैसा लग रहा कंपटीशन, आपका कंपटीशन कोई और नहीं होता है। आप आज उस सराउंडिंग में मत देखिए कि आप अपने अंदर ही देखिए कि आपको अपना ही बेटर वर्जन करना है। आपको अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको हराना है, स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये आपको, आपका कंपटीशन आप ही हो, आपका कंपटीशन कोई और नहीं है। आपको अपने ही फेलियर्स को पीछे करके आगे बढ़ना होता है सर, यही है है? इसमें। सोशल मीडिया को लेके आप क्या कहते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि उसने भी बहुत ज्यादा नुकसान किया है आज की जनरेशन का, खासकर जो न्यू कमर्स हमारे आ रहे हैं उनके लिए। आज से 5 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था, जी सर, बिल्कुल हाँ, सर, लेकिन एक लिमिट थी। लेकिन आज जो है, क्या आपने सोशल मीडिया के साथ में आप रहे या फिर आपने उसका एक ऐसा यूज किया जो आपके लिए फ्रूटफुल रहा, बाकी आपने साइड किनारे किया? आप कैसे रहे सोशल मीडिया के साथ में? सर मैंने हाँ देखा है बहुत से कैंडिडेट्स बिल्कुल सोशल मीडिया एप्स अपने अनइंस्टॉल कर देते हैं। और सर इसमें भी फिर वही चीज आएगी, आपके अंदर से चीजें होती हैं। आप अगर सोशल मीडिया आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आप उसको खूब देर तक यूज कर रहे हो, तो गिल्ट आपको फील होना चाहिए। अगर आपको गिल्ट फील नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए ये प्रिपरेशन। आप अगर 10 मिनट से ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हो अगर, तो सर ये तो आप अपने साथ ही इनजस्टिस कर रहे हो। डेफिनेटली सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए। इंस्टाग्राम में बहुत से पेजेस ऐसे होते हैं जो नॉलेज के लिए होते हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, जनरल नॉलेज रिलेटेड होते हैं। आजकल सोशल मीडिया में आपको नोट्स मिलते हैं, तो अगर आप वैसे चैनल्स फॉलो करें तो आपके स्क्रॉलिंग में वैसी वैसी चीजें ही आएंगी। आप ग्रास्प करेंगे नॉलेज इतना कर सकते हैं। बट अगर ये है कि आप दूसरों की प्रोफाइल स्टॉकिंग कर रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, तो ये आप अपने साथ ही इनजस्टिस कर रहे हैं, किसी और के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप नहीं करिए प्रिपरेशन। पर ऐसा नहीं है सर कि आप एकदम अनसोशलाइज हो जाइए, बिल्कुल किसी से नहीं मिलिए, सारे ऐप्स अनइंस्टॉल। अपने आप को फ्रेश रखने के लिए थोड़ा सा टाइम, 10-15 मिनट कुछ नहीं होते हैं, मगर अगर 10-15 मिनट 1 घंटा बन जाता है सर, तो नो प्रॉब्लम वहां प्रॉब्लम। क्रिएट होती है सर। एक चीज है, आप ज्यादा से आप ज्यादा ऐसी चीजें लाइक कीजिए, ऐसी चीजें फॉलो कीजिए जो आपको इंस्पायर कर रही हैं, थॉट्स आपको आपको पॉजिटिव एटमोसफेयर में रख रही हैं। ऐसी चीजें आप फॉलो करें तो वो आपको इस चीज में उस चीज का भी योगदान रहेगा। बिल्कुल मैंने एक आपका सबसे पेज फॉलो किया है, आपके इंस्टाग्राम यूट्यूब फॉलो किया है, तो वो भी तो सोशल मीडिया है सर। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल वहां से पोस्ट देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ, वो देखती हूँ, तो वो फ्रूटफुल है सर। आपके ऊपर है किसी भी चीज का, आप किसी चीज को वरदान बना रहे हैं, अभिशाप या बना रहे अभिशाप हैं, बना सर रहे, आप ही के ऊपर है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, एक और मैं मतलब बच्चों की तरफ से सवाल आपके लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक बच्चों के मन में भ्रम टाइप का बैठा हुआ है कि अगर हम इंदौर नहीं जा पाए या हम सिटी से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरी ऑडियंस कौन है, मुझे इंदौर में बैठा बच्चा उतना नहीं समझ सकता क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेरी ऑडियंस आप लोग हो जो लोग सर्च करते हैं राइट, और फिर उनको हाँ जी रिलेवेंट सर, चीजें मिलती हैं। और
हाँ जी मेरे जो सर, सवाल भी है मेरी उसी ऑडियंस के लिए है, चाहे वो मेरे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे आप दूर बैठे हुए लोग हो। आपने जबलपुर में रह के, मैं नहीं कहता जबलपुर में रिसोर्सेस नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट स्टिल अगर कहा जाए, हाँ कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो वो रिसोर्सेस नहीं है। जी सर, ये माना जाता है कि जबलपुर में ठीक है, इंदौर होती तो शायद कुछ बेहतर होता, लेकिन आपने तो जबलपुर में रह के ही ये बेहतर करके। अब आप देखा कैसे एक डेडिकेशन जो आपने बात की, जब कोई बात अंदर से होती है। सबसे बड़ा मिथ होता था कि इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट नहीं है। आप देखना कई बच्चे आज होते, आपने देखा होगा कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इंग्लिश मीडियम के होनहार बच्चों के मीडियम चेंज करवा दिए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जी सर, इंग्लिश से हिंदी करवा दी। क्यों? क्योंकि ये कोच, जब कोचिंग वाला ही व्यक्ति बोलेगा कि यार इंग्लिश मीडियम में कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा? तो ये जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनसे थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आप जबलपुर में रहे, किस तरीके से आपने पूरी अपनी मेंस को प्रिपेयर किया? क्या कोई थोड़ी बहुत बुक लिस्ट आपने सर्च किया, उसको फॉलो किया पर्टिकुलरली कोई, या डायरेक्टली आपने सीधे सीधे जहां से आपको टॉपिक टॉपिक वाइज कंटेंट मिला, आपने उसको नेट के थ्रू पिकअप किया और आगे बढ़े आप? हाँ जी सर, सर डिस्टेंस बैरियर तो बिल्कुल नहीं है सर। आपके पास इंटरनेट है, आज आज तो हर एक व्यक्ति के पास इंटरनेट होता है। अगर कोई ये चीज का बोल रहा, इस चीज को एक रीजन बना के बोल रहा है कि काश मैं इंदौर में होती तो ऐसा होता, तो सर ये तो वेग रीजन है, एकदम एकदम फेक रीजन है। क्योंकि रीजन बनाने वाला रीजन ही बनाएगा सर हमेशा। उसको आप इंदौर में भी रखेंगे तो वो इंदौर में भी कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ ही लेगा कि मैं ये कोचिंग नहीं तो वो कोचिंग में पढ़ रहा होता तो जरूर हो जाता। नॉलेज हर जगह मिल रहा है, आपके ऊपर है, आप ग्रास्प कीजिए। इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें हैं, जो मेन बुक्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, वो अवेलेबल नहीं है क्या नेट में? आपको तो आज पैसा खर्च करके उसकी हार्ड कॉपी खरीदने की भी नीड नहीं होती है। तो आप बस चीजें आपको जहां जहां से सोर्सेस मिल रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप उसको ग्रास्प कीजिए, आप उसको नोट डाउन कीजिए। ये तो सर बिल्कुल बेकार रीजन है एक कि मैं वहां होता तो ऐसा होता। यहाँ भी कोचिंग्स हैं, मगर अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को है। इंटरनेट के एरा में ऐसा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी एक्सक्यूज बना के अपने आप को उसके पीछे खड़े रखना चाहिए। इंसान यहाँ बैठ के यूएसए की चीजें सीख लेता है, यूएसए की डिशेस बनानी सीखता है। जब आप यूएसए के ट्रेंड्स यहाँ चला रहे हैं तो आपको पढ़ाई में भी ये चीज, ये अप्रोच करना चाहिए। हॉलिस्टिक अप्रोच होता है सर ये सब। तो आप जो सिखा रहे हैं, अगर वो इंसान अच्छी से देख रहा है बैठ के, अच्छी से उसको कॉपी डाउन कर रहा है, तो वो फ्रूटफुल उसी के लिए है सर। अंदर से लगन और चाह होनी चाहिए सर, बस यही है। बस यही है ना कि मैंने कहा ना कि कुछ अंदर से होता है इसलिए परिणाम में आता है, वही बात आप बोल रहे हैं। सर फैमिली को रीजंस कैसा लग रहा है? एक्सक्यूजेस बनाने वाले तो अनलिमिटेड, और उसके एक्सक्यूजेस का अंत नहीं है सर। एक बच्चा, एक कॉबलर का बच्चा, एक किसान का बच्चा विदाउट सोर्सेस पढ़ता है सर, यूपीएससी क्रैक करता है, आईएएस बनता है। हमेशा ये सीख लेनी चाहिए ऐसे लोगों से कि उसके पास तो एसी नहीं है, लाइट की सुविधाएं नहीं होती हैं गांव में। तो सर रीजंस बहुत सारे होते हैं। आप अगर 100 लोगों के बीच में भी अपने आप को फोकस कर रहे हो, मतलब आपका माइंड स्टेबल है और आपको सराउंडिंग्स फिर नहीं करती है सर। ज्यादा मैटर सराउंडिंग्स नहीं करेंगी, अगर आप अंदर से आपने ठान लिया है तो फिर सराउंडिंग्स आर नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली को कैसा लग हाँ रहा जी, है? बहुत प्राउड मोमेंट है सर उनके लिए। तो पूरे फैमिली में ऐसा कोई सिविल सर्विसेज में नहीं था सर, और डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर के पेरेंट्स कहलाना, रिलेटिव्स आना, कॉल आना, न्यूज रिपोर्टर्स उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट सर ये था। कभी ऐसा ऐसे इंटरव्यू कहाँ सर पेरेंट्स दे पाते हैं। हेजिटेशन होती है उनको देने में, बट इतना खुश है वो कि उनकी हेजिटेशन भी साइड हो चुकी है सर। तो बहुत प्राउड मोमेंट है, पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है, कॉलोनी के लिए प्राउड मोमेंट्स है, सिख कमेटी के लिए प्राउड मोमेंट है, जबलपुर के लिए प्राउड मोमेंट है, आपके लिए प्राउड मोमेंट है बिल्कुल सर। बिल्कुल सब जो बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्टेड है सर। यस ये तो बहुत बड़ा सर, प्राउड मोमेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि आपने मुझे इतना, आपने मंजूषा ने और सब लोगों ने मुझे इतना मोटिवेशन दिया है कि कभी कभी ये लगता था कि पता नहीं कभी रुक जाऊं क्या, कुछ और सोचूं क्या, लेकिन अब जब देख रहा हूँ कि कैसे दूर दराज बैठे बैठे हमारे प्यारे प्यारे सब आप लोग, और थोड़ी थोड़ी कुछ है, देखो किया आपने है सब कुछ, राइट, हुआ आपके करने से ही होगा, और डेफिनेटली वो मैंने आपको ना पढ़ा था, तो जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, राइट, करना आपको है, हाँ लेकिन जी तो सर, छोटी छोटी चीजों ने इतना वैल्यू ऐसे एडिशन किया है किसी चीज में, तो मुझे लगता है कि सच बता रहा हूँ, इससे बड़ा मोमेंट मेरे लिए हो नहीं सकता। क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन मार्क आता था, मैं आपको बताऊं, और जब से मैं, जी सर, आपने क्या किया,
राइट, आपने क्या किया? बच्चे, एक नॉर्मल बच्चा आता है और एक कमेंट में आता है, नाम से पूछता है आपने क्या किया, तो वो कई बार डराता था, कई बार दुख भी देता था नहीं कि यार। सर, एक बहुत मैंने कहीं एक कोट पढ़ी थी, वो मैं एग्जैक्टली नहीं मुझे रिमेम्बर, बट उसका जो वो सिखाना चाह रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। एक रोड होती है, उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं। एक हार्ड वर्किंग जन वो भी पार कर लेता है, मगर बहुत डिफिकल्टी जाती है, आपकी बहुत मेहनत उसमें वेस्ट जाती है बहुत। मगर जो एक टीचर होता है वो सारे बैरियर्स और हर्डल्स को रिमूव करता है, आपको एक रोड स्मूथ प्रोवाइड करता है, चलना आप ही को है। मगर एक टीचर का योगदान ये है कि आपके बीच में कठिनाइयां जो आ रही हैं, जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो सब रिमूव करने। और सर ये बहुत बड़ा योगदान है टीचर का, टीचर के बिना स्टूडेंट कहाँ, कहीं कहीं किसी रूप में कोई ना कोई आपको कोई सीख देता है। हर जन आपके पेरेंट्स आपके टीचर हैं, जिनसे आप कहीं से भी जरा सा भी नॉलेज ले रहे हैं वो आपके टीचर हैं। तो एवरीथिंग सर मैटर्स, एवरीथिंग काउंट्स। यानी तो सर सच टीचर का में योगदान सर बहुत ही बड़ा होता है सर। एक स्टूडेंट जान सकता है सर कि बहुत, मुझे पता है जूम मीटिंग का क्या उस टाइम पे मेरे लिए इम्पोर्टेंस था। मैं जबलपुर में, आपने इतना अच्छा टाइम डिसाइड किया था, सारी चीजों से इंसान फ्री होके 1 घंटा डेडिकेटेड देता है, तो बहुत ऐसा लगता ही नहीं था कि जूम मीटिंग है। जैसे ये बैरियर का आप बोल रहे हैं, कई स्टूडेंट एक्सक्यूजेस देते हैं, ऐसा लगता था सारे स्टूडेंट्स हैं, सब अपने अपने व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल था, बहुत। कोशिश भी रही थी, और मेरे लिए तो मतलब ये साल हाँ जी बहुत सर, अच्छा रहा है जाते जाते। एक देखिए, एक मेरे घर में बेटी आई है और एक आप जैसी हाँ बेटी जी है जो एक सर, नाम ऊपर कर रही है। और किस्मत से देखिए कि इतनी सारी बेटियां, मतलब ऐसा नहीं है, बेटे भी कई लोग, कई लड़के भी जो मेरे साथ में आ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जुड़े हुए, तो सच में मतलब एक बहुत प्राउड मोमेंट है। आप लोगों ने बहुत कुछ, केवल आप अपने लिए नहीं, आपने ये अपने लिए नहीं किया, मेरे लिए, मेरे जैसे कई और लोगों के लिए, आसपास के आपके कई बच्चों के लिए, आसपास के, आपने बहुत कुछ किया है। यानी सच में आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और मुझे लगे, आप मैं सर जानता हूँ, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि आगे जाके भी कहीं ना कहीं जब कुछ अच्छे एमपी के चुनिंदा अधिकारियों के नाम लिए जाएंगे ना, उसमें प्राउड से कह पाऊंगा कि हमारी थैंक यू हड्डियत भी सो मच उसमें सर, शामिल थैंक होगी, यू सो मच मैं प्राउड से कह सर, पाऊंगा। वेरी ऑब्लिज सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हनीत, आपने टाइम दिया, आपका और मुझे लगता है मीटिंग बच्चों के बहुत काम आएगी। ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, अगर कहीं कुछ लगे तो मेरा नंबर आपके पास है, और जी ज्वाइनिंग सर, से लेके हर चीज बिल्कुल, करें आप अच्छे तरीके से, और हाँ जी प्रॉपर, अब सर, आपने जो प्राप्त कर लिया है, कोशिश करें कि उससे दूसरों को भी आप रास्ता दिखाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सेवा ही थैंक यू, सब है थैंक, सर, अब बिल्कुल तो थैंक सेवा, सेवा ये यू सो तो मच सर। मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ कि एक छोटे से, आपने जब सेवा वाली बात बोल दी, मैं पर्टिकुलरली खासकर गुरुद्वारे जब जाता हूँ, खासकर गुरुद्वारे जब भी मैं गया हूँ, वहां पर एक चीज मैंने बहुत खूबसूरत देखी, और इसके लिए मैं आप सबकी बहुत तारीफ करूंगा, कि जब वहां लोग सेवा कर रहे होते हैं तो वहां वो भी होता है जो शायद किसी साइकिल से चल के आया होता है, वहां वो भी होता है जो बीएमडब्ल्यू से चल के आया होता है, वहां वो भी होता जी है सर, जो शायद अरबों की खरबों की प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन उस रब के सामने सब बैठते हैं, झुकते हैं, और उसी शिद्दत से, जो आप कहते हैं ना डेडिकेशन होना, वहां पे अगर किसी के जूतों को उठा के भी रखा जा रहा है तो उतनी शिद्दत से ही रखा जा रहा है जैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो गुण डेवलप होता है, कहते हैं ना कि गुरु नानक जी के जो गुणों को अगर हम अपने अंदर ले लें तो शायद सब कुछ बदल जाए, वो जो डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहा, कि आपने पढ़ाई में भी वही डेडिकेशन दिखाया, परिणाम आज वही है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत मैटर करती शुभकामनाएं, है सर, फैमिली वैल्यूज, सब सराउंडिंग वैल्यूज मैटर करती हैं सर, बहुत डेफिनेटली ज्यादा, मैटर करती हैं बहुत सर, ज्यादा अब मैटर करते हैं, तभी आपका बहुत व्यक्तित्व कुछ तभी बनता सीखते है। हैं। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक दिन में नहीं कुछ हो सकता सर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो आपका शुरू से जैसा व्यक्तित्व है वो ही सामने आता है सर। चलिए हनीत, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे, और जब भी जबलपुर आऊंगा तब मिलूंगा, और भगवान ने चाहा कि आपकी पोस्टिंग इंदौर हो जाए तो और बढ़िया। डेफिनेटली सर, नहीं भी होगी इंदौर में तो मैं सर आऊंगी जरूर मिलने सर, वो तो मैंने बिल्कुल आना ही है, टीचर्स की ब्लेसिंग्स के बिना कहाँ जाएगा स्टूडेंट सर। बिल्कुल बिल्कुल डिप्टी बिल्कुल, कलेक्टर तो ओके, बाद में बने हैं, स्टूडेंट तो पहले हैं सर आपके। कल आप मुझे बहुत मैम करके रेफर कर रहे थे, मैंने आपको कहा सर मैं स्टूडेंट हूँ, आप मैम मत बोलिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हरनीत ही कहूंगा जी, आपको हमेशा। ओके हरनीत, थैंक यू ठीक सो है, मच, थैंक ध्यान रखिएगा यू सो अपना, मच ऑल द बेस्ट, सर, एंजॉय योर डे, बाय बाय।